राज्यसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन राज्यसभा चुनाव के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया। प्रदेश के 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। 15 फरवरी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। फरवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और साथ ही आपको बता दें कि 17 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का राज्यसभा सांसद चुनाव तय माना जा रहा है। भाजपा नेता विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि 15 फरवरी को पार्टी की ओर से दोनों प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाया जाएगा। वैसे तो कोई खास भी सोचा नहीं इस बारे में। आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है और 15 तारीख को उसकी अंतिम तिथि है और हमारे हिसाब से तो 15 तारीख को हम दोनों उम्मीदवारों के नॉमिनेशन दाखिल करवाएंगे। कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया और कैंडिडेट ने कोई अपनी अलग तारीख चूज करी तो अलग बात है, वरना हम 15 तारीख को इकट्ठा होंगे और दोनों उम्मीदवारों को फॉर्म भरवाएंगे। मुझे नहीं लगता मतदान की स्थिति आएगी, आई तो 27 को होगा। 4 कैंडिडेट हुए तो होगी, 3 सीटें हैं, 4 कैंडिडेट हुए तो मतदान होगा और 3 ही कैंडिडेट है तो निर्विरोध हो जाएगा। इसमें 51 वोट जिसको मिलेंगे वो जीतेगा, उसके हिसाब से 102 वोट हमको चाहिए दो उम्मीदवार निकालने को। कांग्रेस को चाहिए 51, उनके पास कुछ 70 विधायक हैं उनके, तो 51 में 19 वोट उनके पास सरप्लस है, 20 वोट हमारे पास सरप्लस है।